ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिंचाई सुविधा समय पर न मिलने के कारण पलघाटी का किसान परेशान है। किसानों की फसल खराब होने की कगार पर है। बावजूद इसके विभाग एक दूसरे के सर पर दोष मढ़कर पल्लू झाड़ने पर उतारू है। इसका जीता जाता उदाहरण मंडी जिला की मुस्लिम बहुल्य डोगराई पंचायत है, जहाँ एक ट्यूबवेल ऐसा है जिसका संचालन जैन इरिगेशन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस ट्यूबवेल में पानी की कोई कमी नहीं है, मगर जैन इरिगेशन के कर्मचारियों का कहना है कि यहां बिजली का लोड कम है। बिजली की क्षमता कम होने के कारण जैन इरिगेशन के कर्मचारी नियमित रूप से पंप हाउस की मोटर चलाने में असमर्थता जाहिर कर रहे हैं। सिंचाई सुविधा के लिए समय पर पानी न मिलने के कारण पल घाटी का किसान परेशान है। घाटी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए भूमि संचित करने हेतु ट्यूबवेल स्थापित किए हैं, मगर संबंधित विभाग द्वारा इन ट्यूबवेलों का संचालन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। परिणाम स्वरूप किसानों की फसल तबाह होने की कगार पर है, जिसका जीता जाता उदाहरण मंडी जिला की मुस्लिम बहुल्य डोगराई पंचायत है, जहां एक ट्यूबवेल ऐसा है जिसका संचालन जैन इरिगेशन कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस ट्यूबवेल में पानी की कोई कमी नहीं है, मगर जैन इरिगेशन के कर्मचारियों का कहना है कि यहां बिजली का लोड कम है, जिसकी वजह से बिजली की क्षमता कम होने के कारण जैन इरिगेशन के कर्मचारी नियमित रूप से पंप हाउस की मोटर चलाने में असमर्थ है। या यूं कहें कि जैन इरिगेशन के कर्मचारियों ने बिजली की क्षमता कम होने के कारण नियमित रूप से मोटर चलाना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बिजली बोर्ड के कर्मचारी बिजली का लोड पूरा होने का दावा कर रहे हैं और जैन इरिगेशन कंपनी पर जानबूझकर मोटर ना चलाने के आरोप लगा रहे हैं। पंप ऑपरेटर की मोटर समय पर ना चलने के कारण किसानों की फसल भी तबाही की कगार पर है, जिससे किसानों में गहरा रोष पनप रहा है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि समस्या का शीघ्र ही समाधान किया जाए, ताकि सिंचाई के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके। यहाँ पे डुगराई में ट्यूबवेल नंबर 17 में एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारी फसलें सूख गई हैं, सारी की सारी फसल खराब हो गई है। हमने जैन वालों को कंप्लेंट किया तो जैन वाले बोलते हैं जी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले हमें लोड पूरा नहीं दे रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी वालों को बोला गया तो जेई साहब आए, वो बोल रहे हैं कि हमने लोड दे दिया है, जैन वाले मोटर चला नहीं रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाले कोई अपना फॉल्ट ठीक कर नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हम किसान जो है पिस रहे हैं। हमारी जो फसलें हैं इस ट्यूबवेल के अंडर में आती है, कम से कम 60-70 बीघा जमीन आती है और सारी की सारी फसल जो खराब हो गई है। हमने ठेके पे जमीन लेके काम शुरू किया है, अपना रोजगार चलाते हैं। अब जो हमारा नुकसान हो रहा है पानी ना लगने की वजह से फसलें सूख गई हैं, उसका जिम्मेवार कौन होगा सर? वैसे तो बोलते हैं कि किसानों की आय दुगना करो, ये करो वो करो, तो इससे तो किसानों की आय दुगना नहीं, किसान तो उल्टा कर्जे के अंदर दब रहे हैं। खराब हो रही है हमारी, इनको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले बोलते हैं हमने लोड दिया हुआ है, ऑपरेटर को बोलते हैं ऑपरेटर तू चला, ऑपरेटर बोलते हैं मेरे को पछाड़ा जाते हैं, ऑपरेटर जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रिकल वाले जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। हमारी टमाटरों की फसल थोड़ी खराब, बहुत ज़्यादा खराब हो गई है पानी की वजह से, जो कि करीब दो हफ्ते हो गए तो अभी तक पानी का कोई नाम निशान नहीं है। और यहाँ पे जब हम ट्यूबवेल के मतलब इसके सामने आए तो इन्होंने बोला कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की मतलब जो बिजली है वो कम आ रही है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को बोला तो वो बोलते हैं कि हमने पूरी दी हुई है इनको। और जेई साहब यहाँ पे आए तो ये बोल रहे हैं कि हमने अपने बॉस से मतलब एसटीओ साहब से बात की है, वो आ रहे हैं और इन्होंने सुबह से हमारे को काम पे लगाया हुआ ऐसे ही, और सारे जो भी हमारे गाँव के यहाँ पे आए हुए हैं और कोई भी अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, एक दूसरे पे थोप रहे हैं। और हम मतलब अपने यहाँ पे जितने भी है बिना जो जहाँ जहाँ पानी लगता है वो सारी फसल खराब हो गई,
नहीं है और ये एक दूसरे को बोल रहे हैं, हमने इनको बोला सिर्फ हमारे को पानी चाहिए आप जो मर्जी करो, तो ये बोल रहे हैं कि एसटीओ साहब आएंगे, तो एसटीओ साहब अभी तक यहाँ तक पहुँचे नहीं है। अब जब हमने अभी दोबारा पूछा इनको जेई साहब को, तो ये बोलते हैं कि अब नहीं आएंगे। मतलब बोलने का मतलब ये हमारे को गुमराह ऐसे ही कर रहे हैं और एक दूसरे के मतलब ये कर रहे हैं कि भाई हम ये जिम्मेवारी उठाने के लिए कोई नहीं है, तो इसमें हम पीछे जा रहे हैं और सारी जो भी फसलें खराब हो गई है। तो हम गुजारिश करते हैं कि हमारा ये जो भी है वो कम हो जाए और हमें पानी की ये होनी चाहिए। गौरतलब है कि पंप हाउस तो मात्र एक उदाहरण है, बालघाटी में ऐसे कई पंप हाउस और सिंचाई योजनाएं हैं जिनका सुचारू रूप से ना चलने के कारण किसानों को नकदी फसलों में सिंचाई करने में भारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। मंडी पंप हाउस की मोटर समय पर ना चलने से किसानों की नकदी फसल भी खराब हो रही है।